नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। और अब रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों की ओर। महिला दिवस पर सीएम शिवराज सिंह ने भोपाल में किया पौधारोपण, निर्भया बाई को दी हाई हरी झंडी, कहा महिलाओं बेटियों की सुरक्षा हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आज, देवास में महिला दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। करीब 50 लाख महिलाओं को एकत्रित करने का लक्ष्य, जेपी नड्डा और सीएम शिवराज सिंह रहेंगे मौजूद। देशभर में मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, देवास में महिला दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। आज मध्य प्रदेश दौरे पर हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, नड्डा के साथ सीएम शिवराज सिंह भी रहेंगे मौजूद। देवास में पोषण संयंत्रों का करेंगे उद्घाटन, क्रेडिट लिंकेज योजना भी होगी शुरुआत, महिला स्वयं सहायता समूह के से होगी संवाद। महिला स्वयं सहायता समूह से करेंगे संवाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीर शर्मा समेत कई नेता रहेंगे शामिल। एमपी विधानसभा बजट सत्र का आज दूसरा दिन, सदन में दिवंगत नेताओं को दी जाएगी श्रद्धांजलि। कल विधानसभा में पेश किया जाएगा बजट, आज विधानसभा में विशेष प्रश्न का, सिर्फ महिला विधायक ही पूछेंगे सवाल। एमपी में बजट पेश करने से पहले कैबिनेट की बैठक का, कल विधानसभा में पेश किया जाएगा बजट। देश के 5 राज्यों का एग्जिट पोल, इंडिया न्यूज के एग्जिट पोल में योगी सरकार कर रही वापसी, पंजाब में आपकी सरकार बनने के आसार। सीएम भूपेश बघेल कसडोल के गिरौदपुरी धाम पहुंचे और बाबा गुरु घासीदास के मंदिर पहुंचकर मत्था टेका, इस मौके पर सीएम भी मौजूद। इस दौरान सीएम के साथ डॉक्टर शिव कुमार डहरिया और नगरी निकाय मंत्री चंद्रदेव राय मौजूद रहे। वहीं 5 राज्यों में हुए चुनाव के नतीजों पर सकारात्मक परिणाम आने की बात कही गई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने बाबा गुरु घासीदास के जन्मभूमि और तपोभूमि गिरौदरीपुर धाम पहुंचे। पूर्व सीएम रायपुर से गिरौदरीपुर धाम सड़क मार्ग से पहुंचे और बाबा गुरु घासीदास के जन्मस्थली पर माथा टेका। सोमवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने देवास पहुंचे और प्रदेश सरकार की तरफ से आयोजित स्वयं सहायता समूह के कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण भी किया गया। देवास में आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा स्वयं सहायता समूह के पोषण संयंत्र का लोकार्पण करेंगे, इस मौके पर उनके साथ बीजेपी के कई नेता भी मौजूद रहेंगे। बैतूल में खड़े ट्रक में घुसी यात्री बस, हादसे में 5 यात्री घायल, बालाघाट से भोपाल जा रही थी बस, घायलों का अस्पताल में किया जा रहा इलाज। कोतवाली थाना क्षेत्र के सोना घाटी इलाके की पूरी खबर। मंदसौर के किरण बैरागी की बचपन की जिद ने उसका सपना साकार कर दिया है। किरण बैरागी पूरे उज्जैन संभाग में अकेली एसएसएफ एग्जाम पास कर एसएसएफ कांस्टेबल बनी है। किरण साधारण परिवार में जन्म पली हुई है और माता पिता भाई के सपनों को साकार किया है। ऐसी बेटी जिसने बचपन में ही ये सोचा था। देशभर में एसएसएफ एग्जाम में 63 महिलाओं का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें किरण बैरागी का नाम भी शामिल है। विदिशा में कार में लगी भीषण आग, स्पार्किंग से लगी भीषण आग, कार सवार 3 लोग सुरक्षित निकले। कार में एक युवक और 3 बच्चे सवार थे, मनोहर टाकीज के पास ये पूरी घटना हुई। एमपी में किसानों के लिए अच्छी खबर, फसल बीमा की राशि से नहीं होगी कर्ज की वसूली। सहकारिता आयुक्त संजय गुप्ता ने जारी किया आदेश, सहकारी बैंकों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने दिए आदेश। महिला दिवस पर शुजालपुर की यशी शिवपुरिया की कहानी उन लोगों के लिए प्रेरणादायक है जो अपनी कमजोरियों को गिनाकर सफल के लिए प्रयास नहीं करते हैं। यशी 2 बहनों और 1 भाई में सबसे बड़ी बेटी है। यशी जन्म से बोल सुन नहीं पाते, जिसके बाद परिजनों ने उसे दिव्यांगों के स्कूल में पढ़ाया है। पेंटिंग और मेहंदी की मास्टर बनी यशी ने ब्यूटी पार्लर में जाकर दुल्हन सजाना भी सीखा है। 2 ब्यूटी कंपटीशन भी जीत लिए हैं। आज शहर में स्थित यह है कि मैरिज इवेंट में मेहंदी सजाने के लिए इसमें प्री बुकिंग कराना होता है।
मुबजिर होने के से ग्राहकों से वो अपनी माँ से बात करने को कहती है। मम्मी ग्राहकों से बात कर उनकी अपेक्षाएं और दिए जाने वाले रुपए के बारे में भी इशारों से यशी बताती है। विदिशा जिले में कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो बिना शर्म झिझक के चुनौतीपूर्ण कार्य करते हुए अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हैं। इन महिलाओं की आर्थिक स्थिति में बदलाव आ गया है। इन महिलाओं में शामिल नीरू शर्मा और हेमलता साहू ने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से चलकर काम किया है और उनकी जिंदगी में बदलाव लाए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर नीलू और हेमलता ने अन्य महिलाओं से भी आगे बढ़ने को कहा है। जशपुर में ठगी का आरोपी गिरफ्तार, 15 लाख से भी अधिक की ठगी कर आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ठेकेदार कई लोगों से पैसे लेकर फरार था। ठेकेदार कुसुद अली राजनंदन गांव से फरार हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ऋषा के श्री जी गिरिराज धाम में बसंत पंचमी पर्व के से ब्रज की होली जैसा माहौल देखने को मिला है। मंदिर में वैष्णव संप्रदाय की महिलाएं और पुरुष भगवान श्री कृष्ण की पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। साथ ही फूलों और गुलाल के साथ महोत्सव मनाते हैं। पिछले कई सालों से ब्रज की होली की तरह डेढ़ महीने तक ये फाग महोत्सव मनाया जाता है। इंदौर में एक झोला छाप डॉक्टर की बड़ी लापरवाही सामने आई, जिसके चलते होम डेकोरेशन का काम करने वाले एक व्यक्ति को अपने पैर का पंजा कटवाना पड़ा। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर 5 महीने तक घर में जाकर पीड़ित का इलाज करता रहा, जब शख्स के घाव की कीड़े पड़ गए। परिवार के लोगों ने उन्हें अस्पताल भर्ती कराया, जहां ऑपरेशन के बाद उनका पंजा काट दिया गया। आरोपी झोला छाप डॉक्टर बताया जा रहा है। मामले में डॉक्टर के खिलाफ पुलिस ने लापरवाही का केस दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में छूट गई है। छत्तीसगढ़ में उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसके लिए सभी जिलों में सी स्मार्ट जैसे स्थानीय बाजारों की शुरुआत की जा रही है। मुंगेली में भी पुराने रामानुज स्कूल कॉम्प्लेक्स में 14 दुकानों में से सी स्मार्ट के नाम पर बाजार की शुरुआत की जा रही है। सीएम भूपेश की इस महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत की जा रही है। 20 से 25 लाख रुपए के बजट में नए रूप देने की दिशा में पहल की जा चुकी है। वहीं निरीक्षण में आए कलेक्टर अजीत बसंत ने बताया कि स्थानीय लोगों या स्वयं सहायता समूह के लोगों को रोजगार देने के लिए इस योजना की शुरुआत प्रदेश सरकार की तरफ से की गई है। जांजगीर चांपा जिले के प्रदेश पंचायत सचिव संघ ने कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ को सौंपा है ज्ञापन। साथ ही मांगे नहीं माने जाने पर 9 मार्च को विधानसभा घेरने की भी चेतावनी दी है। जिला पंचायत के पूर्व सदस्य और समाज सेवी डाली दमाही की हत्या के विरोध में लोधी महासभा द्वारा बालाघाट बंद का आह्वान किया है। बता दें कि लोगों ने भी अपने प्रतिष्ठान बंद करने को सहयोग दिया, साथ ही लोधी महासभा में शेड्यूल में अर्थ मॉडिफिकेशन टीम राष्ट्रीय स्वयं सेवा और गायत्री गौ सेवा संस्थान ने जागरूकता अभियान चलाया है। बता दें कि यह कार्यक्रम जिले के बुड़ाल नगर के बस स्टैंड से शुरू हुआ है। इस दौरान लगभग 800 न्यूज़पेपर से बने कैरी बैग और 1200 कपड़े के बैग वितरित किए। धमतरी में ग्रामीण महिलाओं ने अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए बढ़ने की ठानी है। ऑटो चलाकर कमा रहे 15,000। विजापुर के उसूर ब्लॉक में नक्सलियों के लगाए बैनर पोस्टर को हटाए गए जवान ब्लास्ट में घायल हुए। बता दें कि बैनर पोस्टर हटाते वक्त आईजी ब्लास्ट हुआ, जिसमें एक जवान घायल हो गया। जवान उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। रतलाम के शासकीय मेडिकल कॉलेज में वेतन नहीं मिलने से नाराज चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ ने सांकेतिक हड़ताल की है। 2 घंटे तक काम पर प्रभाव रहा। इस दौरान हड़तालियों ने शासन को चेतावनी दी है, कहा मांग पूरी नहीं हुई तो हड़ताल जारी रहेगा।
इंदौर क्राइम ब्रांच ने आयुर्वेदिक मेडिसिन कंपनी की फ्रेंचाइजी दिलवानी के नाम पर ठगी करने वाली गैंग पर शिकंजा कसा है। बता दें कि आरोपी फर्जी नाम और सिम कार्ड से गूगल पर ऐड देकर लोगों से संपर्क करता था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। बलरामपुर के बसंतपुर थाना क्षेत्र में कफ सिरप और टैबलेट के साथ दो युवक पुलिस के हाथे चढ़ गए हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि दो युवक यूपी से 40 नग कफ सिरप और 40 नग टैबलेट लेकर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, जिसके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। बसंतपुर पुलिस ने घेराबंदी कर दो युवकों से सामान और एक ब्लैक कलर की पल्स बाइक के साथ ग्राम पंचायत फूली डूमर में धर दबोचा है। दोनों आरोपी में से एक आरोपी अरविंद उपाध्याय, जो ग्राम पंचायत बर्ती कला वार्ड्रेफ का रहने वाला बताया जा रहा है। पकड़े गए दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। सीतापुर में नक्सलियों का पोस्टर निकलते वक्त आईडी ब्लास्ट हुई है। हादसे में पुलिस का एक जवान भी घायल हो गया है, जिसका इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है। नक्सलियों ने लगाया था बैनर और पोस्टर, सुबह एरिया डोमिनेशन के लिए पुलिस के जवान तैनात थे, जिसके बाद कार्रवाई की गई। कांकेर जिले में यातायात पुलिस ने संयुक्त टीम बनाकर नेशनल हाईवे 30 पर वाहनों की चेकिंग की है। चेकिंग के दौरान शराब के नशे में वाहन चलाते पाए जाने पर ट्रक चालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा वाहन चेकिंग में अन्य वाहन चालकों पर भी नियमों का पालन न करने पर कार्रवाई की। धमतरी में ग्रामीण महिलाओं ने अपने जीवन में परिवर्तन कर आगे बढ़ने की ठानी है। कभी जो महिलाएं खेत में मजदूरी का काम करती थी, आज वो शहर में ऑटो चला रही हैं। अपने दम पर महिला में 15,000 तक कमा रही है, साथ ही अपने परिवार की आर्थिक मदद भी कर पा रही है। कांकेर के राजापारावाद स्थित गड़िया पहाड़ में तेंदुआ देखा गया। जानकारी के मुताबिक वार्ड पार्षद आनंद चौरसिया ने वीडियो भी बनाया है। वार्ड पार्षद ने बताया कि राजापारावाद के मुक्तिधाम जाने वाले मार्ग में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जहां गड़िया पहाड़ के ऊपर एक तेंदुआ पत्थर पर बैठा हुआ दिखा, जिसे देखने के बाद तेंदुए का वीडियो भी बना लिया गया। हालांकि इस इलाके में भालू और तेंदुआ का आना जाना लगा रहता है। राजी राजापारा वार्ड में कुछ दिनों पहले तेंदुए ने मवेशियों को अपना शिकार बनाया था। यह पूरा मामला कांकेर वन परिक्षेत्र का बताया जा रहा है। भारत की चिंता यूक्रेन के सुमी शहर में फंसे अपने नागरिकों को निकालने की है। सुमी में 700 मेडिकल स्टूडेंट अभी भी फंसे हुए हैं। दूसरे टेस्ट से पहले भारतीय टीम से जुड़े अक्षर पटेल, कुलदीप यादव को बाहर किया गया है। जयंत यादव का भी खेलना मुश्किल। बता दें कि दूसरे टेस्ट से पहले अक्षर पटेल फिट हो चुके हैं, जिस वजह से कुलदीप यादव को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।